हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही झटपट बन जाने वाली मिल्क पाउडर की बर्फी, और ये हम बेसन के साथ बनाने वाले हैं और ये बनती है बहुत ही क्विक, सिर्फ 10 मिनट के अंदर। तो इस दिवाली पर जरूर बनाकर देखें, जब आप बहुत सारे कामों में बिजी हो तो इसको जरूर ट्राई करें। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी, इसका शुगर सिरप रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कप चीनी और उसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, वाटर, और इसका हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। तो ये बहुत झटपट बन जाती है, लो टू मीडियम फ्लेम पर आप लगातार इसको चलाते रहें और आपकी जो चीनी है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। उसके बाद आपको 5 से 7 मिनट के लिए, 5 to 7 मिनट के लिए इसको और स्टर करना है और पकाना है, और बहुत ही जल्दी इसकी 1 तार की चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा बॉयल आएगा, हम डाल देंगे इसमें इलायची का एसेंस। अगर आपके पास इलायची का एसेंस ना हो तो आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, आप इसमें कुछ केसर के धागे भी डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ डाल दिया है 1/2 कप हमारा ये छोटा सा इसका जो कप होता है, 1/2 कप हमने शुगर इसमें डाल दिया है इलायची का एसेंस, और अच्छी तरीके से अब इसको हम स्टर कर देंगे और बस 5 मिनट में ही हमारी चाशनी बनकर रेडी हो जाती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि 1 तार की चाशनी कैसे होती है और हम इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसी को टच करके थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें, फिर हाथों से ही दोनों उंगलियों के बीच में आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 1 तार बन रहा है, मतलब 1 तार निकल रहा है सिर्फ इसमें से। तो हमारी 1 तार की चाशनी बनकर रेडी हो गई है। तो अब इसको हम साइड में रख देंगे और अपना रेडी करेंगे हमारा जो मेन बैटर है बेसन का वो। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कप घी लिया है, बिल्कुल शुद्ध देसी घी यूज करें तो मिठाइयों का स्वाद बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो जाता है। और इस दिवाली पर जब बिल्कुल टाइम ना बचा हो आपके पास और बहुत सारे कामों में आप बिजी हो तो ये वाली जो बर्फी है बहुत ही क्विक बन जाती है, तो ये ट्राई जरूर करें। और जैसे ही हमारा जो घी है 1/2 कप वो थोड़ा सा मेल्ट होगा, उसमें हम डाल देंगे 1 कप बेसन, और ये बेसन को आप बहुत अच्छी तरीके से छान लें, साफ कर लें, और लगातार इसको हमें चलाना है, लगातार इसको स्टर करना है, बिल्कुल लम्प्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल लम्प्स फ्री बनाएंगे। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैंने इसमें भी ऐड किया हुआ है, तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इस टाइप की कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जो फ्लेम है बिल्कुल लो टू मीडियम रखें, नहीं तो आपका जो बेसन है वो जल भी सकता है। इसको लगातार स्टर करना है, बिल्कुल कंटिन्यू स्टर करेंगे तो बस 5 मिनट में ही आपका जो बेसन है वो पक जाएगा, भुन जाएगा अच्छी तरीके से, और इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आपको ये पूरे घर में खुशबू आपको इसकी आपको समझ में आने लगेगा कि ये हमारा जो बेसन है वो भुन चुका है अच्छी तरीके से। बस 1 से 2 मिनट और चलाएंगे, यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, तो लगातार चलाते रहेंगे। आपको दिख रहा होगा कि हमारा बेसन अच्छी तरीके से यहाँ भून चुका है। तो इसमें हम डाल देंगे अब मिल्क पाउडर। जी हाँ, यहाँ पर हमें 1/2 कप मिल्क पाउडर की जरूरत पड़ेगी। बस आप यहाँ पर 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे तो इसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एनहेंस होगा और ये बिल्कुल न्यू तरीके की बर्फी हमारी रेडी हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और अच्छी तरीके से हम स्टर करेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, लगातार इसको चलाते रहेंगे। और बस यहाँ पर हमने टोटल 10 मिनट में हमारी जो बर्फी है उसका बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम जैसे ही आपको लगेगा कि ये अच्छी तरीके से भुन गया है, आपको समझ में आने लगेगा, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो बस लगातार इसको हम चलाते रहेंगे और हमारे जो मिल्क पाउडर है उसको अच्छी तरीके से हमारे बेसन में मिक्स कर देंगे। और इसमें डालेंगे हम फिर धीरे धीरे अपनी चाशनी, और चाशनी डालने के बाद भी आपको इसको लगातार चलाना है जिससे कि ये बिल्कुल भी इसमें गुठलियां ना पड़े और बिल्कुल स्मूथ सा हमारा लिक्विड और जो बैटर होता है वो रेडी होगा। इसको चाशनी डालने के बाद बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, अगर आप बहुत ज्यादा पका देंगे इसको तो ये बाद में आपको मुंह में जाके चिपकेगा और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, हार्ड हो जाएगी। तो हमें ये बिल्कुल सॉफ्ट सी बर्फी बनानी है जो कि मुंह में जाती ही घुल जाती है। तो बस इसको लगातार चलाएंगे और यहाँ पर हमारा जो बैटर है वो रेडी हो जाएगा। बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे तो बस लगातार चलाएंगे और हमारा लिक्विड, हमारा बैटर रेडी हो गया। ये देखिए, आपको समझ में आने लगा होगा, इसने कढ़ाई छोड़ दी है, ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा हमें ये बैटर बनाकर रेडी करना है। और अब इसको हम निकाल देंगे हमारे ग्रीस्ड
पैन में जिसमें हम इसको जमाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बर्फी का एक पैन लिया है, सांचा लिया है, जिसमें मैं इसको जमाने वाली हूँ। जिसमें अधिकतर मैं ब्रेड बनाती हूँ, तो इसमें बहुत ही अच्छी जमती है। और नीचे मैंने लगा दिया है बटर पेपर और थोड़ा सा ऊपर से घी भी ग्रीस कर दिया है, तो जिससे कि ये बहुत ही आसानी से बाद में निकल जाती है। तो अब इसका जो लिक्विड है वो रेडी हो गया है। अब हमने इसमें पैन में डाल देंगे अपने धीरे से। ये देख सकते हैं इस टाइप के बिल्कुल लाइक अ रिबन गिरना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से ये जम भी जाती है जल्दी। बस 1 से 1.5 घंटे में आपकी ये जम कर रेडी हो जाती है। तो फिर आपको इसको पीसेस में काट लेना है और बस अपने मन चाहे शेप में काट सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर से हम डेकोरेट करेंगे विथ ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिस्ता, काजू और बादाम तीनों चीजें ली हैं अच्छी तरीके से चॉप्ड कर। और जल्दी से हम इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिससे कि अंदर तक अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट्स चले जाए। बहुत ही क्रंची लगते हैं जब ये काट के हम खाते हैं। तो सबसे पहले भगवान के भोग के लिए आप जरूर निकाल दें और फिर अपने बच्चों के लिए और फैमिली मेंबर्स के लिए सर्व करें। तो यहाँ मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे और हमारी बहुत ही क्विक सिर्फ 10 मिनट के अंदर मिल्क पाउडर बेसन की बर्फी बनकर रेडी हो गई है। तो इस दिवाली पर जरूर जरूर ट्राई करें। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी स्वीट की और विथ राइट मेजरमेंट के साथ। तो बस इसको हम रख देंगे रेस्ट करने के लिए 1 आवर के लिए और फिर इसको हम कट करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माय लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन टोटली फ्री। ये देखिए हमारी बेसन की बर्फी बिल्कुल यहाँ पर जमने के लिए रेडी हो गई है। मैं आपको बिल्कुल क्लोजर एक व्यू दे रही हूँ कि आप बिल्कुल क्लोजअप में देख सकें। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यमी बने। आप इसको थोड़ा ठंडा कर लें और फिर अपने पीसेस में कट करेंगे हम। तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है, यहाँ पर लगभग 1 आवर हो गया। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसको 2 घंटे के लिए रख सकते हैं रेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से और निकल के आएगी। पर मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं था सब्र, तो मैंने जल्दी जल्दी कट करके आपको दिखा दी। तो बस ये देखिए इस तरीके से हम पीसेस में इसको काट लेंगे और बहुत ही यमी टेस्टी हमारी बर्फी बनकर रेडी हो गई है। एक पीस मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने काट लिया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल मुंह में जाती है, घुल जाती है। और इस दिवाली पर ये तो बनाना बनता है, आप बिल्कुल जरूर जरूर ट्राई करें विथ माई रेसिपी। बहुत ही सॉफ्ट बनी है। If you like my recipe, please subscribe my channel and share with your family and friends. Thanks for watching and happy Diwali to all of you.